सो व्हाट्स अप यूट्यूब फैमिली, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो भाई आज अपने साथ डिंपल भैया पीछे आपको दिख रहे होंगे। डिंपल भैया क्या अच्छी डिटेल रहने वाली है फिर आज? वापस से डीमैक्स वी क्रॉस, इसुजु वी क्रॉस, इसुजु 2017 मॉडल, इसुजु वी क्रॉस 2017 मॉडल। बात करें क्या अटपटा दिखाने वाले आज? अटपटा काफी चीजें दिखाएंगे भैया आज हम, जैसे इसमें हेडलाइट चेंज करेंगे, ठीक है, फॉग लाइट्स में एलईडीज वगैरह लगाएंगे, ठीक है, स्नॉर्कल लगा हुआ है, डोर वाइजर है, हैंडल क्रोम्स हैं, अंदर डैम्पिंग करेंगे बोनेट की, ठीक है, और ये क्या कहते हैं हमारा, इसमें एंड्रॉयड वगैरह लगाएंगे, एम्पलीफायर वगैरह और भी छोटे मोटे काम। तो भाई यहाँ पे जो है गाड़ी खड़ी भी है और कुछ जो है गाड़ी के अंदर काम चल भी रहा है। तो फिलहाल भाई गाड़ी के फ्रंट लुक आपको दिखा देता हूँ। अपना देख सकते हो DRL ऑन है, पार्किंग लाइट ऑन है, जिसमें फॉग लैंप ने ऑन हो रखे हैं, और फ्रंट से कुछ ऐसी लुक आ रही है। और आगे ग्रिल भाई इसके चेंज का जो ऑप्शन नहीं मिलता है, और आपको जो है भाई खाली फॉग लैंप चेंज करवा सकते हो, हेडलाइट चेंज करवा सकते हो। तो ये जो है भाई 2017 वी क्रॉस, आपको साइड से बैचिंग भी दिख रही होगी, कुछ काम जो है भाई देख सकते हो अंदर चल भी रहा है और कुछ जो है हो भी गया। साइड में स्नॉर्कल आप देख सकते हो ऑलरेडी जो है पहले से ही लगा हुआ था, और कुछ जो है क्रोम के पार्ट्स आपको दिख रहे होंगे ये जो ऑलरेडी इंस्टॉल हो रखे, बट अभी जो है रेन वाइजर इंस्टॉल हुए हैं इसके अंदर बाहर की साइड से। और आगे की साइड बात करूँ तो ड्रिवन की भाई 150 वॉट जो है इसके अंदर फॉग लैंप के अंदर जो है LED इंस्टॉल हुई है। ऑप्शन जो है भाई आपके पास इसके अंदर आफ्टर मार्केट प्रोजेक्टर का भी मिल जाता है, चाहो तो आप वो भी लगवा सकते हो। और हेडलाइट आप देख सकते हो ऊपर, हेडलाइट के अंदर भाई स्टॉक जो है अपनी HIT थी, जो अपनी कंपनी की तरह जो ओनर की थी पहले से, वही जो है स्टॉक लो बीम में यूज़ हो गया है, और हाई बीम में जो है भाई अपनी जीवा की LED इंस्टॉल हुई है। तो एक बार आपको उसका जो है आउटपुट दिखाऊंगा। फिलहाल देख सकते हो बिल्कुल न्यू जो है भाई हेडलैम्प है, और साइड से कुछ ऐसी लुक आ रही है। और ऊपर की साइड बात करूँ तो भाई इसके अंदर जो है अपने हमर लाइट जो इंस्टॉल हुई है, जो कि हमर गाड़ी में आती है उसके अंदर जो है बिल्कुल सेम, इसके अंदर भी जो है भाई ड्रिल हो गए जो है प्रॉपर इंस्टॉल हो गई है, और देख सकते हो ऑरेंज कलर में। भाई पार्किंग लाइट ऑन कर दोगे तो ये भी जो है कंटिन्यू अपनी ऑन हो जाएगी। और ऊपर एंटीना आप देख सकते हो, और रोल केस भी लगा हुआ है, साइड में स्नॉर्कल की लुक देख सकते हो, और ये जो आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील्स लगे हुए हैं देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा यूनिक है भाई। ये देखो वी क्रॉस, और साइड में आप फिटिंग आप देख सकते हो भाई, काफ़ी ज़्यादा गाड़ी की लुक के हिसाब से तो भाई मिनिमम इसके अंदर 18 इंच 19 इंच तो भाई मिनिमम है, जब भी इस गाड़ी की लुक जो है बन जाती है। और ये देखो भाई पीछे की साइड से आपको रेन वाइजर आपको दिखा देता हूँ, गाड़ी के अंदर भाई बिल्कुल जो है मेन डिसेंट काम हुआ है। और ये देखो भाई ऊपर से ये हमर लाइट की जो है लुक रहने वाली है, आगे की साइड से देखो स्नॉर्कल की लुक, और कुछ क्रोम जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो कि पहले ही कस्टमर ने इंस्टॉल करवा रखा था। और ये देखो भाई क्वार्टर पैनल वाली साइड से लुक पूरी कुछ ऐसी लुक जो है प्रॉपर रहने वाली है। पीछे की साइड से पूरा हुड जो है पैक है, और ये देखो कुछ पीछे की साइड से ऐसी लुक जो है रह रही है भाई, काफ़ी ज़्यादा गाड़ी की लुक तो यूनिक है। और पीछे की साइड से बात करो तो इसके आफ्टर मार्केट टेल लैम्प भी आते हैं, जो कि आप चाहो तो इंस्टॉल करवा सकते हो, वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाता है। इसुजु डीमैक्स वी क्रॉस आप देख सकते हो 2.5 इंटरकूलर, और पीछे की साइड से भाई पूरी गाड़ी जो है ये ऑफ रोडिंग, जो कार के ओनर है भाई वो कह रहे हैं कि हम पूरी जो ऑफ रोडिंग करते हैं, तो भाई उसके हिसाब से आप गाड़ी की लुक भी देख सकते हो, जब भी जो है इतनी थोड़ी बहुत डस्ट भी जो इस गाड़ी के ऊपर लगी हुई है। फिलहाल एक बार इंटीरियर की साइड चलते हैं और इंटीरियर की साइड आपके साथ डिटेल शेयर करता हूँ इंटीरियर में क्या क्या हो रहा है। सो गाइस बाहर का जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया, तो भाई इंटीरियर का भी आपको दिखा देता हूँ, फिर फाइनल लुक तो आपके साथ शेयर करूंगा ही। देख सकते हो गेट पैनल जो अपने प्रॉपर जो है भाई ओपन हो रखे हैं, और इसके अंदर इन्होंने इंस्टॉल हो रहे हैं भाई इन्फिनिटी रेफरेंस ओवल हो रहे हैं, ये देखो भाई। लुक भी काफ़ी ज़्यादा क्लासिक है, और फ्रेम की बात करूँ तो भाई फ्रेम भी देख सकते हो काफ़ी मोटा जो है इंस्टॉल हो रहा है। सिंगल में जो भाई नहीं हो पाता, क्योंकि गेट की जो है काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर जो बीच में जो डिफरेंस रह जाता है। और इंटीरियर में बताऊँ तो भाई इसके अंदर जो है ड्रिवन का एंड्रॉयड स्टीरियो जो है वो इंस्टॉल हुआ है, और उस साइड भी प्रॉपर वर्क चल रहा है। और पहले वाले जो थे ये देखो भाई, ये आपको डिफरेंस जो है इधर से पता लग जाएगा, इसलिए जो भाई इसका फ्रेम जो है काफ़ी ज़्यादा मोटा बनता है, और ये जो भाई कस्टम मेड फ्रेम बनते हैं, इसके साइज़ के अकॉर्डिंग आप जो भाई एडजस्ट कर सकते हो देखो। और वही ऑप्शन जो है आपके साथ जो है सीट कवर्स के मिल जाते हैं इंटीरियर की साइड से, आप चाहो हाइड्रो डिपिंग पार्ट्स जो आप अपने करवा सकते हो, और भाई अंदर की साइड से काफ़ी ज़्यादा जो है और भी काम चल रहे हैं। फिलहाल एक बार ओवरऑल कंप्लीट हो जाए, फिर इंटीरियर की साइड से आपके साथ प्रॉपर डिटेल जो इस गाड़ी की शेयर करता हूँ। सो गाइज अब जो इसका आपको एंड्रॉयड का जो बता देता हूँ भाई, इसके अंदर जो है ड्रिवन का 2GB जो है इंस्टॉल हुआ था, और लुक जो है कुछ आप देख सकते हो भाई। ये देखो आपको इंटरफेस दिखा देता हूँ इसका, कुछ ऐसा जो इंटरफेस रहने वाला है, इनबिल्ट ही मिलता है आपको, नेटफ्लिक्स और अपना यूट्यूब देख सकते हो।
तो एक बार आपको जो आउटपुट भी सुनाया था आगे की साइड आपको बता दिया था, इसके अंदर जो भाई कोएक्सियल इंस्टॉल हुए थे और पीछे की साइड भी सेम कोएक्सियल इंस्टॉल हुए हैं इन्फिनिटी रेफरेंस सीरीज के। और भाई देख सकते हो इसके अंदर जो है एम्प भी इंस्टॉल हुआ है और सर्वन वेगा की जो वायरिंग हुई है। जब भी जो है इसके अंदर आउटपुट की बात करूं तो भाई ज्यादा आउटपुट आपको मिल सकता है अगर आप विदाउट एम्पलीफायर अगर आप ये चीजें लगवाते हो तो आपको आउटपुट इतना खास नहीं मिलेगा, ऐसा लगेगा आपको कि आपने कंपनी का जो है नॉर्मल आउटपुट जो आता है कंपनी की तरफ से वही जो आपको मिलेगा। फिलहाल एक बार आउटपुट जो आपको सुना देता हूँ। भाई देख सकते हो यहीं से जो है मैंने कंट्रोल कर दिया स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल से। कई बंदों की थिंकिंग होती है कि भाई हम आफ्टर मार्केट लगवा लेते हैं बट उसके बाद जो स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल वर्क नहीं करता, वो एज अ पुरानी डिवाइसेस के अंदर आता था, जो अपनी पुरानी यूनिट्स आती थी हेड यूनिट आती थी उनके अंदर जो है काम नहीं करता था, बट इसके अंदर देख सकते हो प्रॉपर काम कर रहा है। तो भाई फिलहाल जितनी डिटेल हो सकती थी मैंने जो आपके साथ इस इसुजू की जो है शेयर कर दी है। काफी काम जो है पहले से भी हो रखा था और कुछ जो है भाई अभी नया भी जो है इंस्टॉल हो गया। फिलहाल हेडलाइट हो गई, फॉग लैंप हो गए, एंड्रॉइड अपना इंटीरियर की साइड से हो गया, तो मेन ये सारे ऑप्शन जो है भाई आपको आफ्टर मार्केट मिल जाते हैं। और गाड़ी के अंदर हमर लाइट जो कि सबसे ज्यादा अमेजिंग लग रही है भाई, रात में तो ये अल्टीमेट लुक देती है, दूर से लगता है ये कोई हैवी ज्यादा गाड़ी आ रही है। गाड़ी के अंदर अलॉय व्हील्स भी इतने क्लासिक लगे हुए हैं, पहले से ही लोडेड हो रखे हैं और बस कमी रहेगी इस गाड़ी के अंदर एक चीज की, जो कि भाई इंटीरियर की साइड से थोड़ा बहुत जो है रफनेस है। चाहो तो आप हाइड्रोडिक पेंट करवा सकते हो, इन द मीन कि भाई आप सीट कवर्स अपने अकॉर्डिंग करवा सकते हो, हाइड्रोडिक पेंट जो है गेट पैनल्स आप करवा सकते हो, डैशबोर्ड पे लेदराइज पेंट करवा सकते हो इंटीरियर की साइड से। और इसकी तो भाई कमी खत्म ही होगी अपनी आउटपुट की, आउटपुट भी काफी ज्यादा अमेजिंग है आपने सुन ही लिया होगा। कोएक्सियल में भाई सबसे अच्छी आवाज आती है जिन बंदों को ज्यादा लाउड सेटअप नहीं चाहिए और ज्यादा बिल्कुल लो भी नहीं चाहिए, उनके लिए कोएक्सियल बने। और कोएक्सियल में भाई सबसे मेन चीज होती है मिड बेस, थोड़ी सी आपको ना मिड बेस मिल जाती है जो कि मीठी मीठी लगती है। तो ये जो था भाई आज का मैंने आपको सेटअप जो है टोटल ओवरऑल दिखा दिया है। फिलहाल आपको एक बार इसका जो भाई आपको हेडलाइट का भी रिस्पॉन्स दिखा देता हूँ। ये देखो कुछ ऐसा जो है रिस्पॉन्स रहने वाला है, आफ्टर मार्केट है भाई और बीम भी आप देख सकते हो प्रॉपर बन रही है। तो ये जो था मैंने आपके साथ आज की वीडियो का जो है सारा डाटा जो है शेयर कर दिया, और कुछ रह भी गया हो तो भाई कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलना। बाकी और कुछ डिटेल भी लेनी हो तो आपके नंबर जो है फ्लैश हो रहे होंगे स्क्रीन पे, जो नंबर फ्लैश हो रहे होंगे डिम्पल भैया को कॉल करके आप पता कर सकते हो। जरूरी नहीं आपने इसुजू ही, आप कोई सी भी गाड़ी जो है रेडी करवा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मिलता हूं आपसे ऐसे किसी एक नेक्स्ट वीडियो को लेकर।